मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ऊंचाई और दूरी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और यह प्रश्न 6 अंकों का होता है। देखते हैं, प्रश्न इस प्रकार है। किरा एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ये हमको निकालना है। प्रश्नानुसार हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ए बी ये एक पुल है और सी बिंदु पर एक नाव है। नाव से पुल को देखने पर कह रहा पुल का उन्नयन कोण 30 अंश प्राप्त होता है, तो 30 अंश का उन्नयन कोण मिला। इसके बाद 4 मिनट चलने के पश्चात, तो प्रारंभ में मान लीजिए नाव सी बिंदु पर है और 4 मिनट चलने के पश्चात ये सी से डी पर आ जाती है। अब यहाँ से देखने पर पुल का उन्नयन कोण कह रहा 60 अंश हो जाता है, तो ये उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो प्रश्न के अनुसार अब डी से बी तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, ये हमको निकालना है। तो इस चित्र में अगर देखें त्रिभुज सी डी ए में, देख रहे हैं त्रिभुज सी डी ए का 60 अंश बहिष्कोण है और हम जानते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दोनों सुदूर अंता कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए कोण सी प्लस कोण ए इक्वल टू 60 अंश के मिलेगा, जिसमें कोण सी का मान दिया है। इसलिए यदि बहिष्कोण से हम कोण सी को घटा दें तो कोण ए का मान मिल जाएगा, तो कोण ए बराबर होगा 60 अंश माइनस 30 अंश। 60 अंश से 30 अंश घटाएंगे तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा 30 अंश के। इस प्रकार से कोण ए बराबर 30 अंश आ जाता है। अब अगर हम त्रिभुज ए डी सी में देखें, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, यानी कोण ए इक्वल टू कोण सी, और यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देख रहे हैं कोण ए की सम्मुख भुजा सी डी है और कोण सी की सम्मुख भुजा ए डी है, तो इस प्रकार से सी डी बराबर ए डी मिल जाएगा। सी डी इक्वल टू ए डी, सी डी इक्वल टू ए डी, मान लीजिए हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें कॉस 60 अंश, कॉस थीटा जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हमारा मिल जाएगा बी डी अपान ए डी। कॉस 60 अंश का मान 1/2, बी डी अपान ए डी। ए डी देख रहे हैं समीकरण 1 में ए डी इक्वल टू सी डी है, तो ए डी के स्थान पर हम सी डी लिख सकते हैं, तो ये हमने समीकरण 1 से मान रख दिया, समीकरण 1 से। इस प्रकार से सी डी पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो बी डी इक्वल टू मिल जाएगा हाफ सी डी, अर्थात कह सकते हैं जो बी डी की दूरी है वो सी डी की आधी है। बी डी इक्वल टू हाफ सी डी, अर्थात बी डी दूरी सी डी दूरी की आधी है, सी डी दूरी की आधी है, क्योंकि सी से डी तक यानी सी डी दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए डी बी दूरी सी डी की आधी है, तो आधा समय लगेगा। लिखते हैं क्योंकि सी डी दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए बी डी दूरी तय करने में लगा समय क्योंकि बी डी दूरी सी डी की आधी है, इसलिए आधा समय भी लगेगा, 1/2 × 4 यानी 2 मिनट। तो नाव को पुल तक पहुंचने में प्रश्न कह रहा था कितना समय और लगेगा,
इसका अर्थ हुआ कि नाव को डी से बी तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा कि नाव को डी से बी तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 2024 में पूछा जा सकता है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक करें एवं एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें तथा अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक्स, आई लव यू।